अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चोबे की पूरियों की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, उसमें 2 से 3 चम्मच घी और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा आटा इसे अच्छे से बाइंड होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर गुनगुना पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें आटे को अच्छे से गूंद लेना है। मैंने यहाँ पर अच्छे से गूंद लिया है। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके साइड में रख देंगे। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ग्रेटेड ड्राई कोकोनट, काजू, बादाम और किशमिश, और थोड़ी सी खशखश को ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पर 4 से 5 चम्मच शुगर को ऐड कर लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब हम पूरियों के लिए आटे की छोटी छोटी लुइयां बना लेंगे। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ा ले लिया, उसे राउंड शेप में उसे बेल लेना है। हमें ज़्यादा बड़ी नहीं करना है, छोटी छोटी पूरियां बना रहे हैं। बेल लेने के बाद अब मैं यहाँ पर स्टफिंग को ऐड कर रही हूँ। स्टफिंग ऐड करने के बाद पानी से साइड में थोड़ा सा पानी लगाकर इसे अच्छे से शेप दे रही हूँ। दूसरी पूरी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। उसे अच्छे से बेल लीजिए, राउंड शेप में बेल लेना है। अच्छे से बेलने के बाद स्टफिंग को ऐड कर लीजिए। 1 से 1.5 चम्मच तक स्टफिंग को ऐड कर लिया है। पानी लगा लेंगे और इसको भी अच्छे से चिपका लेना है। और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन बना लीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर राउंड शेप में पूरियाँ बना रही हूँ, उसको भी सेम प्रोसीजर में बनाना है। पानी अप्लाई कर लेना है। मैं यहाँ पर पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि पूरी खुले ना, वो अच्छे से चिपक जाए। इसको भी अच्छे से डिज़ाइन कर लीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है और जल्दी से जल्दी झटपट आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में गरम गरम पूरियों खाने का मज़ा ही बहुत अलग होता है। चलिए अब हम पूरियों को फ्राई कर लेंगे। हमें तेल को थोड़ा सा ही गरम करना है। थोड़ा सा गरम होने के बाद पूरियों को ऐड कर लेना है। दोनों तरफ अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसका ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। सेम प्रोसेस में मैं राउंड शेप की पूरियों को भी फ्राई कर लूँगी। गर्मा गर्म पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।